हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, दिस इज गांधी सर एंड वेलकम टू फोकस स्टडी विद अभी। आज हम लोग गद्य पद्य संग्रह में आगे कहानी की ओर जाएंगे और आज हम लोग अध्ययन करेंगे चाशा का। किसका अध्ययन करेंगे भाई? चाशा का। ठीक है, तो चाशा पढ़ने के पहले पूरी कहानी, इसके अंदर क्या मैटर है, क्या बात है, पूरी कहानी को पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, है ना। तो चाशा के लेखक कौन है आपके? बंसीलाल बंसी। होता क्या है, चाशा का मतलब हुआ कृषि। चाशा का मतलब क्या हुआ? कृषि, खेती बाड़ी का काम को कहा जाता है चाशा, है ना। गांव घर में आज भी चर्चा होता है चाश लगे लियो, कर मतलब खेती बाड़ी कर लियो। तो चाशा कृषि में क्या होता है कि मंगरू नाम का एक आदमी रहता है। क्या नाम है उसका? मंगरू। और मंगरू जो है सो कहा जाए तो इसके बचपन में ही इसके पिताजी मर जाते हैं। जब इसके पिताजी मर जाते हैं तो मंगरू की जो माँ है, वो मंगरू की माँ मंगरू को लेकर मामा घर चले जाते हैं, मामू घर चले जाते हैं, मामा के यहाँ रहने लगते हैं। और रहते रहते बड़ा हो जाता है, फिर मंगरू को अपने आप में सोचने लगता है कि ये तो मेरा अपना घर है नहीं, तो जो मेरा अपना गाँव है, मेरा घर है, वहां पर जाके हम रहेंगे और वहां पर अपना खेती बाड़ी भी करेंगे और हम रहने लगेंगे। और तो वही सोच के आ जाता है अपना गांव। अपना गांव आने के बाद देखता है कि मंगरू का जो भी घर था, जो भी जमीन था, वो सब अपना इसके अपने ही सगे संबंधी घर मतलब पंचायत के लोग भाई सब क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पंचायत करने के बाद मंगरू को अपना संपत्ति जगह तो किसी प्रकार से मिलता है और घर बनाने के लिए भी जगह मिल जाता है। तो घर बनाने का जगह किसी प्रकार से मिट्टी का घर और पुआल ये सब घास फूस का बना के रहने लगता है। अब दिक्कत हो जाती है मंगरू को खाने का कि घर तो बना लिए इन लोगों से पर पंचायत करके, लेकिन अब रहने की व्यवस्था हो गई, लेकिन खाने का तो दिक्कत हो गया। तो खाने का दिक्कत को दूर करने के लिए एक जमींदार के यहाँ काम करने लगता है। एक जमींदार के यहाँ क्या करता है भाई? काम करने लगता है। जब ये जमींदार के यहाँ काम करने लगता है तो जमींदार कहता है कि ठीक है, तुम यही खाओ पियो, यही रहो, मेरे यहाँ ही रहने लगो। फिर रहते रहते जमींदार का ये जो है सो मुनीस बन जाता है। मुनीस का मतलब होता है नौकर बन जाता है, एक तरह से गुलाम हो जाता है, उसका नौकर हो जाता है। और उसी घर में खाते पीते रहते रहते जो मंगरू है वो जमींदार का अपना घर परिवार जैसे मिलजुल कर रहने लगता है। तो मंगरू का जो जमीन था, जो भी पर पंचायत के तहत इसको जमीन अपना बपोती बाप का संपत्ति मिला था, वो जमींदार कहता है कि तुम्हारा तो खेती बाड़ी कुछ करते नहीं हो, तो जो काम जो खेती बाड़ी है उसमें तो पानी चल रहा है, बेकार का हो रहा है, तो इससे अच्छा है तुम हमको दे दो, तुम यही खाते हो यही रहते हो, तो तुम्हारा ही खेती, वो तुम्हारा भी खेती यहाँ से हो जाएगा, तुम यही खाना और तुम्हारा जो खेती बाड़ी जो भी संपत्ति उपजेगा सब तुम रख लेना। तो इस पे राजी हो जाता है मंगरू। और राजी होने के बाद वो सारा संपत्ति जो भी उसकी जमीन जायदाद था जमींदार के हाथ में मोहर लग जाता है, जमींदार के अधीन आ जाता है। तो कुछ समय बीतने के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद मंगरू का शादी हो जाता है। और शादी किससे होता है? कर्मी नाम की एक औरत होती है, लड़की होती है, बहू होती है, कर्मी नाम की महिला से इसका शादी हो जाता है। मंगरू और कर्मी दोनों पति पत्नी हो गए हैं। जब शादी होने के बाद कर्मी कहती है कि तुम्हारा सब अपना है, तो अब धीरे धीरे क्या करो, जमींदार से मांग लो, हम लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे और जितना है जो हम लोग एक एक साल करेंगे तो उसी में हम लोग का बच जाएगा और जिंदगी भी हम लोग बढ़िया से सुखी से जी लेंगे। ये बात कर्मी कहती है किसको? मंगरू को। और जब ये बात कर्मी मंगरू को कहती है तो मंगरू भी इसमें राजी हो जाता है और खेती बाड़ी करने का अपना दिमाग लगाने लगता है, अपना सोचने लगता है। अच्छा विचार था। जब ये दोनों करने लगते हैं तो खेती तो पूरी हो जाती है और खेती होने के बाद खलियान में धान का पूरा बीड़ा कहा जाए तो धान से पूरा खलियान भर जाता है। और जब खलियान भर जाता है तो एक दिन क्या होता है कि जमींदार के लोग, जमींदार के द्वारा ही इसके खलियान में पूरी धान में जो लगा था उस पे आग लगा देता है। और आग लगा देने के बाद पूरी धान जो है सो जल के राख हो जाता है। फिर ये
पता चलता है कि वो आग लगाने का काम कोई और नहीं, हम जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे, जिस जमींदार के यहाँ हम गुलाम थे, वही जमींदार के द्वारा ये काम करवाया गया है। तो इस प्रकार से वो पकड़ में आ जाता है कि जमींदार ही काम करवाता है। तो क्या होते हैं, गांव के सभी लोग वहां पर जमींदार के यहाँ जाते हैं, और जमींदार के यहाँ जाने के बाद जमींदार के साथ में जो जो लोग नौकर के रूप में काम करते थे, वे सभी नौकर के रूप में काम करने बंद कर देते कि आज के बाद अब जमींदार के यहाँ काम कोई भी नहीं करेगा, कोई भी मुनिस का काम, नौकरी नौकर का काम, गुलाम का काम नहीं करेगा, अपना खेती बाड़ी अपना करेगा और अपना जिंदगी जिएगा। और वहीं से जाकर के ये शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं और अपना अपना जिंदगी जीने लगते हैं, और कोई किसी के यहाँ गुलाम और कोई किसी के जमींदार के यहाँ नौकरी नौकर के रूप में काम नहीं करता है। तो इस चासा कहानी से ये पता चलता है कि कोई भी किसी का गुलाम नहीं रह सकता है, नहीं रहना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता, अपने जिंदगी, अपने अनुसार जिंदगी स्वतंत्र होके जीना चाहिए, है ना। ये पूरी चासा कहानी का व्यू था। और एक ध्यान रखिएगा, कर्मी और मंगरू की शादी होने के बाद इसका एक बेटा भी था। क्या था? एक बेटा था। पूरी कहानी आपका इसी में समाप्त है, ठीक है। चलिए फिर भी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर चुका है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना, एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। थोड़ा लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि इसके लेखक कौन, बंसीलाल बंसी जी कहाँ है, कैसे है, है ना। और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जो कंप्लीट लेखक के आ जाएगा, एक ही वीडियो में, है ना। बंसीलाल बंसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म 11 मार्च 1954, जन्म स्थान चौफान बोकारो इस्पात नगर। माए बाप के नाम मोतीलाल साहू और माए का नाम बसनी देवी। पढ़ा लिखा स्नातक, पत्रकारिता में डिप्लोमा। इसका भी जन्म जो है बोकारो के चौफान गाँव में इस्पात नगर में हुआ था, है ना। माए बाप का नाम कहा जाए तो मोतीलाल पिताजी का नाम और माता का नाम बसनी देवी, और पढ़ा लिखा स्नातक, पत्रकारिता में डिप्लोमा किए थे। खोटा साहित्य अकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जग जगिया तरीगर, कहा जाए एक मतलब तारा की तरह से खोटा के लिए मतलब जागे, कौन? बंसीलाल बंसी जी। यकर से हिंदी कहानी कविता लेख यात्रा वृत्तांत लघु कथा हैन तेन विधायक देशक कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल आये है। बंसीलाल बंसी जी के कई रचना छपल आया है, ये बात यहाँ पर बताया। कविता है, नाटक है, लघु कथा है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण भी होना चाहिए, है ना। चलिए आपका देखते हैं, खोटा लोक कथा के संघीय संपादक और खोटा बोकारो कमिटी प्रबंध सचिव रूप में अपन मातृभाषा सेवा कर रहा थी। आप कहा जाए तो खोटा में आपका बोकारो खोटा कमेटी का सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं, है ना। कैब रुचि देख के जमशेदपुर कैब कैब लोक संस्था इनकरा कैब भूषण के मानद उपाधि दिल है, तो जमशेदपुर के द्वारा इसको कैब भूषण का सम्मान मिला है खोटा में, ध्यान रखिएगा खोटा में, है ना। एखन बोकारो इस्पात कारखाना इनकर चासा कहानी सामाजिक विषमता पर विषमता ऊपर किसान जमींदारी मांझे भेदभाव देखवेल गेले की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थिक सामाजिक मंगरू जैसन लोग जमीन जगह सब हड़प के कर लेथिन, अपन तरफ से उसको हड़प के किस प्रकार से अपने अधीन कर लेता है, वो चासा कहानी के तहत दिखाया गया है। इतने न होकर नशा नाबूद करे खातिर की न षड्यंत्र रचल जाए, ई चासा कहानी हमने देखे कि ओकरा समाप्त करे खातिर जमींदार के द्वारा किरण किरण षड्यंत्र रचल जाए, है ना। मंगरू बिहा भेल 2 बच्छर भे गेल हले, तो वो अखन तक सिरे नाय पड़ल हले, बाप छोटा ही मोर चलते माय सुंगी मामू घरे रहे हले। बाप जब छोटा में ही मर गया तो माँ के साथ मंगरू भी जो है सो मामू घर चला गया माँ के साथ और रहने लगा। मैंने जखन मयू सिराए गलक तखन ओकर बापे के माटी के आय भले और अपन बापे के डेडा घुराए एले। और कहा जाए जब माँ भी उसकी मर गई तो बाप का जो संपत्ति था वो आ जाता है, है ना, आ जाता है। हिया भाई के लोग लफड़ा हो गए, यहाँ कहा जाए तो भाई से क्या हो गया था, लफड़ा हो गया था, जे घर द्वार रहा हलन से सब भाई मड़िया ले हलथिन
बहुत पंच पंचायती बाद मंगरू बपुती डिडाय घर बनवे जगह मिलले, कोनो रकम एगो छोट मोट माटी घर बनवल और पवार ढाई दिए रह लगला। तो मंगरू का भी जो संपत्ति था भाई सब हड़प लिया था। बहुत पर पंचायत होने के बाद बपुती संपत्ति मिलता है और किसी प्रकार से घर बना के पवार से ढक के वहां रहने लगा। रह खातिर कुरिया तो बनाए लेलक, मैं तो खाए पियत की सही खातिर काम एक टवान करे लगल। ओकर ही अवस्था देख के जमींदारी को ओकरा गोरखिया काम देले। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मुनिस भए गेले। अब हुए खाए पिए रह लगल। यह रकम मंगरू अब जमींदारे घरे भए गेले। तो जमींदार जो है सो अपने यहाँ गोरखिया के रूप में काम दे देता है, और जब गोरखिया के रूप में उसको काम दे देता है तो वहां पर रहने लगता है और खाने पीते पीते वो जमींदार का आदमी बन जाता है। और जमींदार का आदमी बनने के बाद जमींदार घर का मुनिस बन जाता है, पूर्ण रूप से उसका नौकर हो जाता है। किसका? जमींदार का। मंगरू जमींदार के बहुत विश्वासी लोग भाई गले। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लगले। एक दिन जमींदार साहब मंगरू से कहले, मंगरू तुर खेत तो बहुत हो मेहनत सब बेकार हो। क्या हुआ, मंगरू भी जमींदार का विश्वासी बन गया और जमींदार भी मंगरू का विश्वासी हो गया। एक दूसरे में प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे पर भरोसा करने लगा। और जमींदार कहता है कि मंगरू तुर तो खेत तो बहुत हो लेकिन ओकर की काम, सब बेकार हो, जतने के बिना टाइड बन गेलो। मतलब जतने के यहाँ मतलब हुआ कि जोतने के बिना, है ना, जतने के बिना टाइड बन गेलो मतलब जोतने के बिना क्या हो गया है, टाइड हो गया। तोर खेते पानी बहु हो, काहे ना तो हमरा दे दे है, बेकार प्रति पोरल हो। हमर घर हमर घरु हमर हार हमर खर्चा सब करबे, तोहर कुछ दे देबो, मतलब तोहरो कुछ दे देबो, सब कुछ खर्चा मेरा रहेगा, मेरा गाय मतलब मेरा बैल रहेगा, मेरा सब मेहनत रहेगा, मेरा सब कुछ खर्चा रहेगा, तुमको भी हम कुछ दे देंगे। मंगरू जमींदार के बात मान लेलक, है ना। तो मंगरू जो है सो जमींदार के बात मान गेलक कि ठीक है जमींदार साहब जो बोलो वो सही बात बोलो। ये मंगरू खेते जमींदारे हर घूरे लागल। जते अबाय होवे सब जमींदार घर रहे। जितना मतलब कहा जाए जितना उपजता था, आबादी मतलब जितना जो भी उपज रहा है सब जमींदार के घर में रह। मंगरू को बाटा जो भी मंगरू का आता था, मंगरू का बाटा जो भी मंगरू का अधिकार होता था वो भी जमींदार के घर में रहने लगा। जमींदार कहले, तोहर जखन दरकार होतो हमर घर से ले जीव, जखन तोरा दरकार भे तो मंगरू तखन हमर घर से तो ले जीव, है ना। ये बात जमींदार कहता है मंगरू से। मंगरू जी जान से खटने लगा, एकदम पूरा मेहनत करने लगा क्योंकि उसका भी खेती हो रहा है। मंगरू सब चीजें अब जमींदारी के मोहर लगाए गेला। अब क्या होता है कि जितना भी जगह जमीन संपत्ति था मंगरू का, सब जमींदार के हाथ में मोहर लग गया। राष्ट्रीय एक तरह से कहा जाए लिखा पढ़ी जैसा काम होने लगा मंगरू के ऊपर। मंगरू जिंदगी अब वैसने चले लागल। एक जीव खातिर भी भावना, तो एक जान था तो उसके लिए भी उसको क्या सोचना है, जिंदगी भी बढ़िया से कट रहा था। कुछ बच्चर ऐसने चल रहे, यह बीच मंगरू एक लेदू भैगे। क्या होता है कि कुछ दिन ऐसने चला, यह बीच में मंगरू एक दे लू मतलब कहा जाए दू भैगल, एक ले दू भे गल। यहाँ थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, एक ले दू मतलब एक से दो हो गया। मतलब क्या हुआ, मंगरू का यहाँ विवाह हो गया। एक से दो हो गया मतलब शादी हो गया। मंगरू बियाह भेल दू बच्छर पार भय गेल है। देखते देखते परिवार बढ़े लगल। अब तो खनिहारो बढ़ गए लगथिन। जे काम मंगरू करे हल ओकर से परिवार चलवे दाय भय गल। अब कहा जाए तो धीरे धीरे एक था तो दो हुआ, दो से अब जो है सो उसका बेटा भी जन्मा है, अब तीन हो गया। अब तो खनिहार खाने वाला भी बढ़ गया। अब उसको परिवार चलाना बड़ा मतलब दाय भय गले, मतलब बड़ा तकलीफ होने लगा, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अब मंगरू करत तो करत की मंगरू फिकरे पड़ल। अब मंगरू क्या करेगा, चिंता पड़ गया, फिक्र पड़ गया। मान जान देख के ओकर बहु कर्मी कहले, सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबे तो अपन गीदर बुतरू कैसे पोसबे, बापे के इतना जमीन रहतो
अब कर्मी जो उसका बीवी है, जो पत्नी उसकी कर्मी है, वो कहती है कि सब दिन तुम जमींदार के यहाँ नौकर रहोगे तो अपन बाल बच्चा बुतरू कैसे पोसोगे। बापे इतना जमीन रहते तो आज हमने कैसन दशा, बाप इतना जमीन रख दिया फिर भी हम लोग कैसन दशा, अपन खेते काम करके अन उपजाए आर जमींदारे के भंडरा भरते, अपन खेत में जमीन के में धान और जो भी उपजाते हो और जमींदार का घर भरते हो, जमींदार का भंडार तुम भरते हो, है ना, ये बता रहा जमींदारे का भंडार भरते, सब कुछ रहथु हमनी पासे कुछ ना, सब कुछ रहथु सब कुछ है लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हमनी की जिंदगी जमींदारे के बंधक, हम लोग का जिंदगी भी जमींदार का गुलाम है। इटा देखियो के मैंने कुछ ना बुझाओ, इटा देख के भी तोरा मन कुछ न बुझा, बीबी समझा रही है हस्बैंड, इटा देख के तोरा मन कुछ न बुझा, अपन से चाचा करे के मन नहीं करो हो, अपन से चाचा करे एक बच्चर अब दे हमने सब दुख पूरा जीतल, एक साल हम लोग बढ़िया से खेती कर देंगे तेरे मंगरू साहब हमने दुखा मेटा जीते, कन्हैया सिखाए रहा है, बीवी सिखा रही है ना, मंगरू अपन बहु को मत टा बेस लागल है, बहुत बढ़िया लगा उसका विचार, वो मन बनाए लेला कि ई बच्चा है ना निज ही चास करब, हर गारुक जोगाड़ कहूं से करे पड़ते, से नहीं भेले आर काम नहीं चल, इंसान हम लोग अपने खेती करेंगे और कहूं से न कहूं हर गरु का जुगाड़ अब करना ही पड़ेगा, और नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, हम लोग करेंगे यह सब माने थीर करे मंगरू अपन बहुग कहले तोरा भावे नहीं हो, तो अब तोरा चिंता करे चिंता ना हो, ये बात भरोसा देके मंगरू कहता है कर्मी को, हम अखनी से है ना ईटा के ऊपर ध्यान देवे, इस पे हम ध्यान देंगे अभी से ही ध्यान देंगे, तो एगो काम करा काल से हम आर हो लोके के संग हाजरी कामे जेबे बिहान तनी चाड़े उठाए देवे, ओकर बहु सही दे देली, और कहता है कि अभी काम करते हैं कि और हम लोग को काम करना होगा, तो और काम हम ढूंढते हैं, और काम करने के लिए क्या करेंगे, हम सुबह से जाएंगे तो हमको चाड़े उठा दे, मतलब सुबह जल्दी उठा देना, और इस पे उसका कर्मी जो है बहू मंगरू का वो हाँ दे देती है, बोल ठीक है ना, तो ये वो काम करा कल से हम यार हो लोके के संगे हाजिरी करे जेबे, मतलब काम करने जाएंगे बिहान तनी चाड़े उठाए देव, ओकर बहू सही दे दिलक, उसका बहू भी हाँ बोल दी है ना। अब होता क्या देखते हैं, निरन मासिक दिन चाड़ा ही बिहान भाई गलक, तो गर्मी का दिन था है ना, तुरंत बिहान हो गया सुबह जल्दी हो गया, मंगरू चाड़े चाड़े तैयार भाई के, मंगरू सुबह एकदम जल्दी जल्दी तैयार होके तैयार भाई के यार हो है ना, यार हो कमिया के संगे लग गए, और जो काम करने जा रहे थे उसके संग लग जाता है, गोटे दिन हाजिरी खटे और सांझे घर घूर आवे, यह रकम काम कर गोटे निर्णय कुछ टका जुगाड़ करे लगे, इसी तरह से दिन भर मेहनत करता था शाम को घर घूर आता था, इस प्रकार से कुछ टका का जुगाड़ कुछ पैसा का जुगाड़ करने लगा, मेन्तु जितना जुगाड़ भले सेटा हार गारू हवाटा या संभव, जितना जुगाड़ हुआ था वो घर घर मतलब हर गारू जिस तरह खरीदना चाहिए वो संभव नहीं था है ना, हर हर गारू हवाटा या संभव मुश्किल था कि इतना कम पैसा हम कैसे ले पाएंगे, महंगाई का जमाना है, जे रकम जिनिस के दाम बढ़ले जा रहा है से रकम तो एकदमे न अच्छा देखल जीते, हर गारू तो जुगाड़ करे करे ही पड़ते, मंगरू कहता है कि अच्छा सोचल जीते समय दे सिर हर गारू तो जुगाड़ करे होते, जहां से जुगाड़ ना करबे तो कैसे पड़ते, ये बात दोनों सोच रहे हैं जैनी मरद, समय देख के मंगरू के बहू कहले सुना तो है जिंदगी भर जमींदारी घरे काम करला काहे ना अखनी कई रखा है, नहीं तो बाद झंझट हो, तो वो बता रहा है कि जिंदगी भर तुम जमींदार के यहाँ काम किए हो, हमेशा जब से जन्मे हो एक तरह से यहाँ रहे हो जमींदार के काम किए हो, तो कल हो सकता है लड़ाई झगड़ा झंझट हो सकता है, सो अभी क्यों नहीं बोल के रखते हो, ये कर्मी सिखा रही है ना, तो हर कहलटा ना उठे तुम,
आपका कहा हुआ बात नहीं उठाएंगे क्योंकि उसका विश्वासी नौकर है आप। मंगरू मुड़ता हिलाए के रह गलक, एतवार दिने देख के मंगरू भरखर दू परवा समय जमींदार घर चल गलक। एतवार का दिन होता है, ध्यान रखिएगा, एतवार का दिन होता है, सुबह उठकर मंगरू जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार साहब के बसे चौचाए परल कुल्हिक दुआरी निखा गाछक जुड़ाए बड़का खाटी साहब बैठल हथिन, आरहो दू चार लोग गप सड़ाका कर रहे थे। देखा कि जमींदार के घर गया तो उसके द्वार पर एकदम बड़ा सा खाटी पर जमींदार साहब बैठल बैठल है। वो गए कुल्हाक दुआरी, मतलब कुल्हिक दुआरी, कुल्हाक या कुल्हिक घबरा में मतलब जो द्वार रहता है उसके सामने है ना, निखा मतलब नीचे गाछे के नीचे, निखा गाछे के गाछे के नीचे जुड़ा में बैठा हुआ है ना। सकपते मंगरू जमींदारी के नजीते चल गेला है ना, चल गेल भर समुदाय के सलाम करन, मतलब डरते हुए सपटते हुए गया और समुदाय के सलाम करन, मतलब डरते हुए सलाम किया है, सलाम कर कहले क्या बोलता है, सलाम करके कहा तोहर ठिन आयल हो मालिक, आयल कई दिन से आवे खोजो हलो, एगो काम मंगरू ताक के जमींदारी साहब कहल थिन। जमींदार को मंगरू कहता है कि साहब हम आप ही के पास आए हैं, पहले ही आने खोज रहे थे, एगो काम है हमको, ये बात बोलता है किसको, जमींदार साहब को मंगरू। हाँ कहा की काम हो, हाँ कहा की काम हो, मंगरू खाखस कहले हमरा तनी मदद करे हो तो, मंगरू खाखस के बोलता है कि हमरा तनी मदद करे तो, ई बच्चर हम निजे ही चास करे खोजो हो, हमर जतना खेत हो सब तोहर ठीन हो, से ले हम कह खोजो हो। बाकी बात समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है कि जितना खेत बाड़ी सब आप ही के पास है तो हम अपने ही खेती करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, ये बात आधा बोलता है मंगरू। बाकी बात समझ में जमींदार को भी आ जाता है और मंगरू भी बात समझ भावना समझ में गया। और तोर कहे नहीं तो हतो हम बूझ गलियो तो निजे चास करबे, मुचकी हंसी हंसी के जमींदार कहल थी, मतलब मुश्किल लेकर के हंसी हंसी के बोला हम समझ गलियो तो अपना ही अब खेती करे खोज रहनी तो अपना ही अब खेती करबे है ना। यार हो कालथिन आरो कालथिन, देख मंगरू तोर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी हो, बहुत बड़ा हिसाब किताब भी बाकी हो, जमींदार के आदत तो बाकी रखबे करेगा तो जखन निजे ही चास करे खोजे है हमर करे खोजे है तो हमरा करे है पर तक तो हमको अपना खेती तो करना ही पड़ेगा ना, तुम अपने खेती करना चाह रहे तो, क्योंकि सब तो गुलाम किसका था, जमींदार का, तो उसका खेती कौन कर दे रहा था, मंगरू, पर मंगरू जैसन कई और नौकर है वो, लेकिन अब तो खेती जमींदार को अपने कर, मैं तो कर ले अगहन महीने का सूद मूर साब ले लेबो, लेकिन कर ले, लेकिन अगहन महीना में हम सूद मूर साब ले लो, मैं तो कर ले अगहन महीने साब सूद मूर ले लबो, सेटा बुझ ले बतिया वो बोल रही से समझ नहीं है ना, वो जमींदार बता रहा है कि हम साब सूद मूर जोरी ले लबो रे बाबू। हाँ हमारी कर मंगरू घर घूर आये, दियो बेकज बहुत खुश भेला, कर्मी कहले जोदि सब ठीक ठाक चलते तब बोर नूनुक स्कूले भर्ती करा देवे, यदि सब सही सलामत चलता दोनों खुश हो गया अपना खेती बाड़ी करेंगे, यदि बढ़िया रहेगा तो बड़ा नूनू जो बेटा पैदा हुआ वो की करवे भर्ती स्कूल में करा देवे। बहु बातें मंगरू को बड़ी खुशी भेल, हम तो जिंदगी भर मुरुखे रहो, बहू का बात कर्मी का बात सुन के मंगरू बहुत खुश हुआ और कहता है हम तो जिंदगी भर क्या मुरुख थे, गोरखिया मुनिस खटी के जिंदगी काट लो, जो दी कैसा हूँ हमर बेटा के तेन को यखर ज्ञान, हम तो लोके काना तो नहीं कब थे, कहने का मतलब यहाँ है जो दी कैसा हूँ हमर बेटा तेन को यखर ज्ञान, हम ही तो लोके काना तो नहीं कब थू कब थिन, कहने का मतलब थोड़ा सा भी यदि बेटा को दो चार अक्षर पढ़ा देंगे तो हम लोग हमारे जैसा मूर्ख अज्ञानी तो नहीं कहेगा, यही बात यहाँ खोठा में कहा गया है ना, ये बात बोल रहा है, सही बात है कि हम यदि बेटा को पढ़ा देंगे
तब तो हम लोग को कोई तो काना ये सब तो नहीं कहेगा, हम लोग जैसा मूर्ख तो किसी को नहीं कहेगा, है ना। विहीन बीचक दिन ऐले लोग अपन खोजे अपन खेते विहीन पारे लागल। विहीन बीचक दिन ऐले लोग अपन खेते विहीन पारे लागल। विहीन फेंकने का दिन आता है और लोग अपना अपना खेत में जाकर के विहीन क्या करते हैं, पारने लगते हैं। यहाँ बेटा को भी पढ़ाने शुरू कर दिया और अपना खेती बाड़ी भी करने का बात हो गया। अब आ गया विहीन पारने का टाइम, तो अपना विहीन सभी लोग पार रहे। तो अब जा करके मंगरू और मंगरू की बहू कर्मी दोनों मिलकर अपना खेती बाड़ी करेगा और समय सही चला तो उसको बेटा का भी नाम स्कूल में दाखिला करवा के पढ़ाएगा। तो ये एक पार्ट आपका यहाँ पर रखते हैं, एक पार्ट इसी को आगे हम यहीं से शुरू करेंगे। विहीन बेचक दिन, इसीलिए इसे हम दो बार पढ़ दिए। विहीन बेचक दिन यहीं से हम अगला पार्ट शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट क्या करिएगा, जब पढ़िएगा तो दोनों पार्ट एक साथ पढ़िएगा। जैसे ये खत्म करिएगा तुरंत उसको शुरू कर दीजिएगा ताकि पूरी कहानी एक साथ हो जाए। वीडियो लंबा होने की वजह से कहानी तो हम पहले पूरा समझा चुके हैं भाई, चास में क्या होगा, है ना, चाशा में क्या क्या हो सकता है और जमींदार क्या क्या बहाना लगा रहा है, किस प्रकार से पूरी कहानी हम 5 मिनट में कंप्लीट वहां कर चुके हैं। वही बात हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में ला करके हम यहाँ रोकते हैं आपको और यहीं से हम पार्ट टू शुरू करेंगे, ठीक है। और क्या करिएगा आप लोग, तुरंत एक साथ जाकर के पार्ट वन खत्म करने के साथ तुरंत पार्ट टू भी तुरंत पढ़ लीजिएगा, एक साथ दोनों वीडियो चला जाएगा, ठीक है, एक साथ दोनों वीडियो चला जाएगा। इसमें जो पहला पढ़ेंगे वो दूसरा तुरंत उसी समय पढ़ लीजिएगा ताकि पूरा एक साथ हो जाए।